अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन स्टीफन हॉकिंग. ओके, बिफोर बिगनिंग दिस चैप्टर लेट अस सी द वार्मिंग अप एक्सरसाइज. वेल, आई होप यू मस्ट बी वेल वर्स विद दिस नेम स्टीफन हॉकिंग. ही इज अ रिनाउंड साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं. एंड ही एक्सपायर्ड रिसेंटली, है ना, अभी अभी उनकी अभी अभी आई मीन आई मतलब ऑलमोस्ट 2 years बैक. हियर यू कैन सी, है ना, उनका जो है टाइम पीरियड दिया यहाँ पे. ही वॉज बॉर्न ऑन 8 जन 1942 एंड ही डिड एक्सपायर ऑन 14th March 2018. When I was teaching this lesson for the very first time, जब मैं ये lesson पहली बार पढ़ा रही थी, even actually पढ़ाने के पहले, है ना, this syllabus is just 2 years old, आपका ये जो syllabus है, तो उससे पहले ही ये बात जो है बहुत चर्चा में थी, notice में थी. This was a very noticeable fact कि this legend of science, he was a scientist, no? तो ये जो उनको लेजेंडरी कहा जाता था, तो ही डिड एक्सपायर ऑन अ पाई डेट. पाई डेट, यू नो, आप लोगों को मैथमेटिक्स में है ना पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14, है ना. अगर हम लोग कंप्यूटर्स में डेट्स जो है अमेरिकन स्टाइल में लिखते हैं, अगर हम मंथ पहले लिखते हैं तो मंथ में 3 जो है पहले आएगा, मार्च के लिए 3 यूज होगा, और 14 जो है दैट इज अ डेट, यानी मार्च 14 3 14. तो ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि ही वॉज द मैन ऑफ मैथ्स एंड साइंस, तो इसीलिए उनकी जो बोलते हैं ना देहांत, उनका जो है इंतकाल पाई डेट को हुआ, ऐसा न्यूज में बहुत चला था. तो एनीवेज, तो ही जस्ट डिड एक्सपायर रिसेंटली. और दिस लेसन इज एक्चुअली बायोग्राफी ऑफ हिम, उनकी एक शॉर्ट में सिनॉप्सिस में बायोग्राफी है अबाउट हिज अचीवमेंट्स एंड अबाउट द बुक्स रिटन बाय हिम. एंड डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम अ वेरी टेरिबल डिजीज, उनको एक बहुत ही टेरिबल डिजीज थी, बीमारी थी. सो हाउ डिड ही ओवरकम, हाउ डिड ही यू नो try to cope up with his disability and did many benchmark achievements in the field of science. So this lesson is all about those achievements. So let's get started with the warming up exercise. Here you can see, look, the match the column has been given, and this is just for the sake of your, you know, upgrading your GK. Get into pairs and match the prominent personalities with the disabilities they had. तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो आपको मैच द कॉलम दिया है, इट इज ऑल अबाउट दोज पीपल, दोज लेजेंडरी पीपल के हु डिड ओवरकम दैट फिजिकल डिसेबिलिटी, कि किसी तरह से फिजिकल डिसेबल होने के बावजूद इन्होंने जो है किस तरह से कामयाबी के झंडे गाड़े, किस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की. इट इज ऑल अबाउट दैट. तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वी ऑल आर हेल एंड हार्टी, है ना, हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है हमारे हाथ पाँव सलामत है. तो सो वाई कांट वी, सो दिस लेसन इज एक्चुअली अ यू नो मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग लेसन, के पीपल विद सच डिसेबिलिटीज कैन डू अ लॉट. सो वाई कांट वी, इफ वी हैव ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है अगर, है ना, तो ये इस एक तरह का मोटिवेटिंग लेसन भी है. ओके, एनीवेज, यू कैन डू वन थिंग हियर, आप जो है ना ये जो बी कॉलम दिया है उसको आप सीरियल नंबर दे दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे अप टिल जे, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा मैच द कॉलम. इफ इन केस हो सकता है कि आपको यू नो पर्सनल रिस्पॉन्स में ऐसा आ जाए कि यू नो के नेम सम पर्सनैलिटीज हु हैव डन द अचीवमेंट डिस्पाइट हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज, सो यू कैन कोट सम नेम्स फ्रॉम दिस. तो इसके लिए एंड फॉर योर
मतलब आपकी नॉलेज के लिए भी इट इज़ क्वाइट मैंडेटरी कि यू शुड बी नोइंग सच नेम्स फॉर अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज. तो एज आई टोल्ड यू कि बी कॉलम में आप क्या कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक के दे दीजिए. तो अब मैं डायरेक्टली जो है ना आप लोगों को आंसर्स बताते जाऊंगी. जॉन मिल्टन, उसका आंसर होगा बी, द ग्रेट इंग्लिश पोएट हु बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 43 ईयर्स. बहुत ही रिनाउंड पोएट थे लेकिन वो 43 ईयर्स में ब्लाइंड हो गए थे. ऐसे ही पता है आपको एक अपने इंडिया के भी एक कवि थे अकबर एम्परर के टाइम के, सूरदास नाम था उनका, वो भी ब्लाइंड थे लेकिन वो बहुत ही अच्छी पोइट्री लिखा करते थे. सेकेंड नेम इज बीथोवन. बीथोवन द आंसर इज ए, द ग्रेट जर्मन कंपोजर एंड म्यूजिशियन हु बिकेम डेफ एट द एज ऑफ 28 ईयर्स. तो आई गेस मेरा ये ख्याल है कि माइट बी, दिस इज माई यू नो एस्टिमेशन, ये मेरा एस्टिमेशन है, मेरा जजमेंट है कि मे बी दे माइट बी यू नो ओवर स्ट्रेसिंग सम ऑफ देयर बॉडी ऑर्गेन. जैसे अगर हम जो है फर्स्ट वाला ले रहे तो हो सकता है पोइट्री लिखने के लिए वो यू नो अंधेरे वगैरह में बैठे हो गए, या ही मस्ट बी यू नो ओवर स्ट्रेसिंग हिज आई साइट. तो मे बी दैट माइट बी द रीजन कि ही गॉट ब्लाइंड. एंड सेम इज द केस विद बीथोवन, दैट वाइल कंपोजिंग म्यूजिक्स यू नो ही माइट बी लिसनिंग दोज म्यूजिक इन अ वेरी लाउड टेनर. तो माइट बी, दिस इज जस्ट माई एस्टिमेशन. ओके, नाउ द थर्ड नेम इज स्टीफन हॉकिंग एंड इट्स आंसर इज डी, फेमस साइंटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी हु वॉज पैरालाइज्ड. है ना, और इसी के बारे में हमको ये लेसन पढ़ना है. एक और बात बता दूँ कि ये जो लेसन है मार्च 2019 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में. एंड आई हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड द स्टूडेंट्स कि डेफिनेटली इस साल आपको जो है उसमें से लेस पैसेज आएगा ही, क्योंकि यू नो जस्ट वो टाइम पे उनकी रिसेंट डेथ हुई थी ना. तो इस तरह से मैंने एस्टिमेशन दिया था एंड इट डिड कम. 2019 में आया, 2020 में नहीं आया, मे बी इस साल आए, मे बी. नेक्स्ट वॉल्ट डिज्नी एंड इट्स आंसर इज सी, एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एनिमेटर वॉइस एक्टर एंड लर्निंग हैड लर्निंग डिसेबिलिटी. एंटरप्रेन्योर यू नो बिजनेसमैन, हाँ, तो उनको भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी. आई गेस हम लोगों ने कल ही कुछ देखा था रिगार्डिंग यू नो डिसलेक्सिया, है ना. हमने देखा था कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, रिमेम्बर कल हम लोगों ने एक लेसन देखा था ना द नाइट आई मेट आइंस्टाइन. तो इवन दिस आइंस्टाइन वाज सफरिंग फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटी, दैट वाज डिसलेक्सिया. तो ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी यू नो पढ़ने में बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज होती है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ऑल दैट. ओके, द नेक्स्ट नेम इट्सेल्फ हैज कम अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड इट्स आंसर इज एफ, ग्रेट 20th सेंचुरी साइंटिस्ट एंड नोटेड फिजिसिस्ट हु हैड लर्निंग डिसेबिलिटी. सिक्स थॉमस एडिसन एंड इट्स आंसर इज ई, ग्रेट इन्वेंटर who has over 1,000 patents, had learning disability and became deaf. Thomas Edison का नाम आपने सुना होगा, he is also a scientist. Next is Helen Keller and its answer is H, was blind and deaf. ये Helen Keller एक लड़की थी, लेडी थी, तो वो तो बिचारी अंधी और बहरी दोनों थी. सुधा चंद्रन एंड इट्स आंसर इज जी, डांसर्स हुज लेग्स हैड टू बी एम्प्यूटेटेड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट. देखो सुधा चंद्रन अगर आप गूगल सर्च करोगे ना, इट्स अ वेरी रिनाउंड नेम इन बॉलीवुड इंडस्ट्री. बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बहुत ही फेमस नाम है. आप गूगल सर्च करोगे उसका पिक आपको दिखाई देगा, देन यू कैन रिकोगनाइज हर कि मे बी देर इज सम सीरियल, इंडियन सीरियल लाइक नागिन और समथिंग इन विच शी कम्स, शी प्लेज अ रोल. तो सुधा चंद्रन तो मतलब फॉर लॉन्ग टाइम शी डजंट हैव लेग्स, उसके पैर कट गए थे एक्सीडेंट के बाद,
लेकिन ना सिर्फ उसने एक्टिंग की बल्कि उसने डांस करके बताया. जो है आर्टिफिशियल लेग्स के साथ शी डिड डांस. तो शी इज़ अ वेरी फेमस नेम इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री. द नेक्स्ट नेक्स्ट इज नाइन्थ तनाई ग्रे थॉम्पसन एंड इट्स आंसर इज जे इज अ व्हील चेयर रेसर. एंड द टेंथ वन इज फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट एंड इट्स आंसर इज आई हैड पोलियो एंड वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ US फॉर 4 times. ओके आई होप यू गॉट दिस मैचअप. नाउ लेट अस प्रोसीड टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रामेटिकल पार्ट. देखिए यहाँ पे कुछ चार आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं लिटिल बिट कनेक्टेड विद ग्रामर. पहला दिया है रीडुप्लीकेशन, सेकेंड दिया है ब्लाइंडिंग, थर्ड दिया है क्लिपिंग एंड द फोर्थ वन इज एक्रोनिम. नाउ व्हाट इज दिस रीडुप्लीकेशन? तो हियर यू ऑल कैन सी द रूट स्टेम ऑफ अ वर्ड इज रिपीटेड एग्जैक्टली द सेम और विद अ स्लाइट चेंज. फॉर एग्जाम्पल ट्विट ट्विट, पीटर पैटर. पीटर पैटर सुना? पीटर पैटर रेन ड्रॉप है ना, पीटर पैटर रेन ड्रॉप. आई होप कि आप लोगों ने एक पोयम में देर इज अ राइम पीटर पैटर रेन ड्रॉप. चिट चैट, बिंग बैंग बैंग, रिफ रैफ. तो ऐसे जो है इसको रीडुप्लीकेशन ना, यू हैव टू मेमोराइज द टर्मिनोलॉजी. ये टर्म को आप याद रखिए कि कभी इफ इन केस आपको लैंग्वेज स्टडी में पूछ लिया कि राइट द रीडुप्लीकेशन वर्ड्स, तो ऐसा नहीं हो कि आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाए. आपको याद रहना चाहिए कि याद कि सेम सॉर्ट ऑफ वर्ड्स डुप्लीकेट से ही याद रहे ना, डुप्लीकेट के जब डबल रिपीट होते हैं सेम सॉर्ट ऑफ वर्ड्स विद अ स्लाइटर चेंज, विद स्लाइटर चेंज इन द वॉवल. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे पीटर पैटर में जो है वॉवल चेंज हुआ है, बट जैसे पीटर पैटर है, चिट चैट है, रिफ रेफ है, यहाँ पे वॉवल है ना आई ए आई ए वगैरह चेंज हुआ है, बट बाकी के दो जो है ट्विट ट्विट एंड बैंग बैंग इज ऑल द सेम. नेक्स्ट देखिए ब्लेंडिंग. ब्लेंड का मतलब ही तो है मिक्स करना ना, जब दो वर्ड को मिक्स करके एक न्यू वर्ड कंबाइन किया जाए. जैसे कि ब्रेकफास्ट एंड लंच. आप पता है आप लोगों को कुछ अभी स्पेशली लॉकडाउन में 11-12 बजे आप लोग आराम से उठे होंगे है ना, तो डायरेक्टली वो 12 और 1 बजे जो आप लोग खाते होंगे तो उसको ब्रेकफास्ट नहीं कहा जा सकता है, उसको क्या कहोगे? ब्रंच. क्या कहोगे? ब्रंच. स्मोक एंड फॉग, उसको मिला के क्या कहा जाता है? स्मॉग. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं कि कोई बहुत ही फॉगी एरिया है ना, और वहाँ पर आप अगर ड्राइव कर रहे हो, आपकी गाड़ी से जो है स्मोक निकल रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे? स्मोक. मोटर और होटल, इनको मिला के बनेगा मोटेल. मोटेल्स पता है ना, होटल्स ही होते हैं जो एक्चुअली नो हाईवेज वगैरह पर होते हैं, इनको मोटेल्स कहा जाते हैं क्योंकि यूजुअली वहाँ पर मोटर्स वगैरह के रुकती हैं. द नेक्स्ट इज क्लिपिंग. आप क्लिपिंग का देखिए क्या दिया है, कि रिड्यूसिंग अ वर्ड टू वन ऑफ इट्स सिलेबल्स और पार्ट ऑफ इट. जैसे मैथमेटिक्स का मैथ्स दिया है, एडवर्टाइजमेंट का एड दिया है, लेबोरेटरी का लैब दिया है ना, तो जब उस पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड बोलने की वजह से उसको शॉर्ट में कहा जाता है ना. जैसे टैबलेट को टैब कहा जाता है ना, राइट? सो सच काइंड ऑफ वर्ड्स, तो उनको बोला जाता है क्लिपिंग. Then the last one is acronym. Acronym is, you know, words formed from the first letter of each of the words involved in, for example, radar, scuba, UNICEF, NASA. ये सब जो है ना abbreviations भी ये बोला जाता है ना, acronym को abbreviations भी बोला जाता है. तो radar, scuba, UNICEF, NASA है ना. NASA का तो पता ही होगा आप लोग को, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एसोसिएशन. तो वैसे ही इनका भी है, यूनिसेफ का. यूनिसेफ का आप लोगों ने जो है आई गेस दैट लेसन विच वॉज वेरी लेंथी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इन दैट यू मस्ट हैव हर्ड. तो हर एक का ये एब्रीविएशंस है, तो ये जो एब्रीविएशंस वाले वर्ड्स हैं, तो यू ऑल कैन गूगल सर्च इट. हाँ, दिस जी एन टी वाई, ये जी एन टी वाई ऑल दैट तो इज़ यूज इन व्हाट्सएप लैंग्वेज. थैंक यू, गुड नाइट है ना. के वाई सी,
नो योर कस्टमर, DOB डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब का आप लोग एब्रीविएशंस फाइंड आउट कीजिए. यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स, तो फाइंड आउट करके आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. तो एनीवेज द थिंग इज कि अगर आपको एग्जाम में एक्रोनिम बोला जाए कि राइट डाउन द एक्रोनिम, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट एक्रोनिम इज नथिंग बट एब्रीविएशन. ओके, सो नाउ एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग विथ अवर लेसन स्टीफन हॉकिंग. स्टीफन हॉकिंग बॉर्न इन द ईयर 8 जैन 1942 एंड ही डाइड on 14th March 2018. He was an English theoretical physicist, cosmologist samajhte na aap, jo one who study about heavenly bodies like planets, solar system, unke bare mein study karne wale. Actually cosmos word hai na, universe ko bola jata hai, to un sab ke bare mein study karne wale ko bola jata hai cosmologist. author and director of research at the center of theoretical cosmology within the Cambridge University. Hawking was the first to set out a theory of cosmology explained by a union of the general theory of relativity and quantum mechanics. Hawking was an honorary fellow of the Royal Society of Arts. ये बहुत ही सुप्रीम जो है ना एसोसिएशन समझी जाती है कि अगर कोई साइंटिस्ट इससे अटैच हो, एसोसिएटेड हो, तो दैट अ वेरी प्रिविलेज, दैट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर हिम. अ लाइफ टाइम मेम्बर ऑफ द पोर्टिफिशियल अकेडमी ऑफ साइंसेज एंड रेसिपियंट ऑफ प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द US. तो मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट दिया है कि इन्होंने जो है ये जो सारी मेंबरशिप अचीव की थी, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हिज यू नो कोलोजियल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस. दिस लेसन गिव्स अस एन इनसाइट. इनसाइट मीन्स डीप नॉलेज इन टू द ग्रेट साइंटिस्ट इन हिज लाइफ एंड इन हिज वर्क. नाउ स्टीफन हॉकिंग बॉर्न ऑन January 8, 1942 इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, प्रोफेसर. देखो ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से, है ना, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, लेकिन इनको देखिए ना एक्नॉलेजमेंट US वगैरह मतलब हर जगह वर्ल्ड वाइड मिला है. हाँ, प्रोफेसर एंड ऑथर हु हैज डन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क. ये वर्ड याद रखिए, ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब क्या, मतलब यू नो एकदम बोलते ना माइंड ब्लोइंग, ऑसम, दैट कैन बी कॉल्ड एज ग्राउंड ब्रेकिंग इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी. देखिए यहाँ पे दिया है कॉस्मोलॉजी द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, द स्टडी अबाउट साइंस, इन शॉर्ट दैट कैन बी कॉल्ड एज कॉस्मोलॉजी, एंड हुज बुक्स हैव हेल्प टू मेक साइंस एक्सेसिबल टू एवरी वन. और इनके द्वारा लिखी गई बुक जो है उसके वजह से साइंस हर एक के लिए एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मीन्स ऑन रीचेबल, underline the word accessible means or reachable to everyone. At the age of 21, while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis, ALS, short mein jise kaha jata hai, it's a disease. कि देखिए कितनी कम उम्र में जो है इनको इतनी जो है बहुत ही लेटल डिजीज हो गई थी, दैट इज ALS. Part of his life story was depicted in the 2014 film The Theory of Everything. So you can you can search in YouTube. It's a movie, The Theory of Everything, which was released in the year 2014. जिसमें उनकी जीवन की कहानी depict की गई है. Depict मतलब show की गई है. You can underline this word. Depict means or show. Over the years, Stephen Hawking has written or co-written a total of 15 books. Why co-written, you know? Because when he was suffering from this disease, ALS, है ना? तो starting में हम लोगों ने warming up exercise में देखा है कि it's a sort of, you know, paralysis. कि धीरे धीरे करके gradually his each and every part of the body got paralyzed. सिर्फ उनके लास्ट में जो है ना फिंगर्स मूव करते थे,
और इसके लिए अगर आप YouTube पे वीडियोस देखोगे ना उनके, तो जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज ने एक स्पेसिफिक जो है ना कंप्यूटर सिस्टम उनके लिए बनाया था कि सिर्फ फिंगर्स से जो है ना वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाए, स्पेशली इनके लिए डिज़ाइन किया गया था बिकॉज ही एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, कंप्लीट बॉडी पैरालिसिस। तो एनीवेज इन सारी कठिनाइयों के बावजूद है ना, डिस्पाइट फेसिंग ऑल दिस डिफिकल्टीज ही मैनेज टू राइट ऑलमोस्ट 15 बुक्स। अ फ्यू ऑफ द मोस्ट नोट वर्दी इंक्लूड, और जिसमें नोट वर्दी नोट करने लायक जो बुक्स है वो है द ग्रैंड डिज़ाइन, द यूनिवर्स इन अ नेचुरल नटशेल, एंड द थियोरी फॉर एवरीथिंग। द थियोरी फॉर एवरीथिंग ना, यही उनकी मूवी का भी नाम रखा गया। इन 1988 हॉकिंग कैटापल्टेड, लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटापल्ट लॉन्च। एक्चुअली यू नो कैटापल्ट एक और चीज़ को कहा जाता है, वो हिंदी में कहते हैं उसको गुलेर, मालूम है वो बच्चे गुलेर से खेलते हैं, वो ऐसे खींचते हैं कि जो है एक दो स्टिक्स होती है जैसे एक रबर बैंड अटैच होता है और उसको उसके अंदर खींच के पत्थर वगैरह से झाड़ वगैरह से फ्रूट्स तोड़ते हैं, उसको भी कैटापल्ट बोला जाता है। बट कैटापल्ट का यह मीनिंग इज लॉन्च, उससे भी क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है ना पत्थर वगैरह को। हॉकिंग कैटापल्टेड टू इंटरनेशनल प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस यह मीन्स इम्पोर्टेंस, विद द पब्लिकेशन ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये एक बुक थी बिकॉज ऑफ विच ही गॉट नेम एंड फेम। द शॉर्ट इंफॉर्मेटिव बुक बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी फॉर द मासेस, मासेस मीन्स पब्लिक, एंड ऑफर्ड एन ओवर व्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए गए थे तो वो सब दिया है, एन ओवर व्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन द फ्यूचर। द वर्क वॉज इन इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट क्विक, बहुत सक्सेस मिली इनको इस बुक के से। स्पेंडिंग मोर देन 4 ईयर्स अटॉप द लंडन संडे टाइम्स, जैसे हमारे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया है वैसे वहाँ पर जो है बेस्ट सेलर लिस्ट की एक मैगजीन है टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पे तो डेली न्यूज़पेपर है, बट ये वहाँ की बेस्ट सेलर लिस्ट जो है मैगजीन के अंदर उनका सबसे टॉप पे आया उनका वर्क। सिंस इट्स पब्लिकेशन इट हैज सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड एंड बीन ट्रांसलेटेड इंटू मोर देन 40 लैंग्वेजेस। तो ये इनकी जो बुक थी, विच बुक दे आर टॉकिंग अबाउट, यू कैन अंडरलाइन इन द सेकेंड लाइन, हाँ सेकेंड लाइन में दिया है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वॉट इज द नेम ऑफ द बुक, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो इसको इतना नेम एंड फेम मिला कि वो ऑलमोस्ट 40 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई और वर्ल्ड वाइड बहुत सेल हुई। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ऑल्सो वॉजन एन ईजी टू अंडरस्टैंड एज सम हैड होप। तो ये थोड़ा जो साइंटिफिक जार्गन होती है, साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, उसमें लिखी गई थी, तो थोड़ा सा जो है मतलब यू नो कॉमन मैन अले मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। सो इन 2001 हॉकिंग फॉलोड अप हिज बुक विद द यूनिवर्स इन अ नटशेल। तो बेयर इन द माइंड देखिए 1988 में बुक थी इनकी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और ये बहुत सालों बाद 2001 में उनकी बुक थी द यूनिवर्स इन अ नटशेल, विच ऑफर्ड अ मोर इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल्स के साथ ना, गाइड टू कॉस्मोलॉजीज बिग थियरीज। तो यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी मीन्स यूनिवर्स बेसिकली जो थियोरीज थी, तो इलस्ट्रेशन के साथ एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया था। ओके इन 2005 हॉकिंग ऑथर्ड द इवन मोर एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मीन्स और रीचेबल, अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। रिमेंबर जो 1988 में बुक थी दैट वॉज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एंड दिस इज ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। कभी कभार आप पैसेज में कन्फ्यूज हो सकते हैं, एंड लेट मी टेल यू कि ये जो फर्स्ट इनिशियल पैसेज है दिस वॉज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम 2019, विच फर्दर सिंप्लीफाइड द ओरिजिनल वर्क्स कोर कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड टच अपॉन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड लाइक स्ट्रिंग थियरी। तो 2005 यू कैन इमेजिन के बाई दिस टाइम साइंस हैड एडवांस अ लॉट इन कंपेरिजन विद द ईयर यू नो 1988, इसके कंपेरिजन में। लुक यू कैन सी द पिक ऑफ स्टीफन हॉकिंग, है ना, ही इज कंप्लीटली
यू नो गॉट अटैच टू अ व्हील चेयर एंड इट्स अ स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ व्हील चेयर आई गेस इन सम मूवी कास्टिंग अनुष्का शर्मा है ना, इनकी एक रिसेंट मूवी आई थी. आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ. इट वॉज द अनदर कास्ट वॉज शाहरुख खान एंड दैट ऑल्सो दिस काइंड ऑफ व्हील चेयर हैज़ बीन शोन. ओके नाउ लेट्स सी फर्दर. Together, these three books, along with the Hawking's own research and papers, which three books we are talking about? Brief History of Time, Briefer History, and The Universe in the Nutshell. You can see in the previous passage, The Universe in a Nutshell. So, together, these three books, along with Hawking's own research and papers, articulate, you know, मतलब तो इमीडिएट रिस्पॉन्स जो देते हैं ना, फट से जो है आंसर देना, इसको भी आर्टिकुलेट बोला जाता है. या हियर यू कैन राइट फ्लुएंट, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं ना, फ्लुएंट. तो हियर यू कैन राइट फ्लुएंट. फ्लुएंट द फिजिसिस्ट पर्सनल सर्च फॉर साइंस होली ग्रेल. व्हाट इज दिस होली ग्रेल? लुक हियर, अ थिंग विच इज इंकरली परस्यूड और सॉट आफ्टर, जिसका बहुत बोलते हैं ना टारगेट बना के पीछा पकड़ के जो है, जिसके पीछे मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका सबसे प्राइम टारगेट क्या है ना, सिक्योरिंग गुड मार्क्स, है ना, नॉट ओनली द गुड मार्क्स द बेस्ट मार्क्स इन योर एसएससी एग्जाम. तो जो आपका टारगेट हो, लक्ष्य हो, दैट इज दैट कैन बी कॉल्ड एज होली ग्रेल. अंडरस्टूड? ईगली परस्यूड और सॉट आफ्टर. सॉट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ सीक, एच डबल के सीक. तो ये सारी जो इनके रिसर्च थी, इनकी बुक्स थी, ये इनका बोलते हैं प्राइम टारगेट था. अ सिंगल यूनिफाइंग थियरी दैट कैन कंबाइन कॉस्मोलॉजी द स्टडी ऑफ बिग विद क्वांटम मैकेनिक्स. अभी क्वांटम मैकेनिक्स ऊपर भी आया था आपको. व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स? द स्टडी ऑफ द स्मॉल टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगेन. इट इज दिस काइंड. अब यू नो क्वांटम का मीनिंग यू कैन राइट डाउन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी. राइट डाउन क्वांटम का यू कैन राइट डाउन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी. तो ये एक टिपिकल फिजिक्स की टर्म है ना, साइंस में फिजिक्स की टर्म है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी. इट इज दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग दैट हैज अलाउड हॉकिंग हु क्लेम्स ही कैन थिंक इन 11 डायमेंशंस. डायमेंशंस एस्पेक्ट्स फीचर्स, कि एक बात को वो 11 तरीकों से 11 एस्पेक्ट से सोच सकते हैं. मतलब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स की बात की जा रही है यहाँ पे. टू ले आउट सम बिग पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन काइंड ही इज कन्विंस्ड दैट टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल एंड दैट ह्यूमंस में इंडीड कोलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर. देखो आप लोगों को शायद देखे होंगे आप लोगों ने क्रिश वाली मूवी, जिसके अंदर यू नो नसीरुद्दीन शाह जो है फ्यूचर में क्या होने वाला है टाइम मशीन रहती है वो देख लेता है. तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग ये टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल था. दैट मीन्स इट वॉज पॉसिबल. शायद अगर वो अगर जीवित रहते तो लगता है इसको रियलिटी में टर्न करके बताते कि यू कैन पीप इन टू योर फ्यूचर एंड और यू कैन गो बैक इन टू योर पास्ट. आप अपने चाइल्डहुड को इन्जॉय कर सकते हैं, है ना, ये इनका मानना था. एंड द ह्यूमन्स में इंडीड कोलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर. इंडीड इनफैक्ट उनका ये भी मानना था कि हम फ्यूचर में जो है दूसरे प्लैनेट्स को कोलोनाइज, कोलोनाइज यू नो ना वर्क फॉर्म एक कॉलोनी का, जैसे इंडिया पता है ना भारत जो है कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, हमारे यहाँ पे ज़बरदस्ती जो है लोग जो है रूलिंग करते थे ब्रिटिशर्स, तो उसी तरह से हम लोग जो है दूसरे प्लैनेट्स को जाके रूल कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था. बट यू नो स्पीकिंग वेरी फ्रेंकली, अगर आप देखोगे इनका इनके वीडियोज़ जो लास्ट के वीडियोज़ थे, लेट मी टेल यू वन थिंग, ही वॉज एथियस्ट. एथियस्ट यू अंडरस्टैंड, नास्तिक होते हैं ना, हु डज नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ रिलीजन. तो ये किसी धर्म में विश्वास नहीं करते थे. बट लास्ट के एक वीडियो में इन्होंने बोला था क्या कि ना वी शुड नॉट ट्राई, ये जो प्लैनेट्स की बात आई है आप देख लेना यूट्यूब पे इनका वीडियोज है, कि हमको दूसरे प्लैनेट्स के एलियंस को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो हम पे हावी पड़ जाए, है ना, रादर देन कोलोनाइजिंग देम मे बी दे विल कोलोनाइज अस. ऐसा इन्होंने, यू कैन सर्च इन द यूट्यूब हिज वीडियोज. इन सेप्टेम्बर 2010 हॉकिंग स्पोक अगेंस्ट द आइडिया दैट गॉड शुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स इन दिस बुक द ग्रैंड डिजाइन. देखो दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैंने बोला ना
मैंने ये पैसेज अभी पहले पढ़ा नहीं था, बट मुझे सडनली याद आ गया था कि ही वॉज एन एथियस्ट, वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, यानी अल्लाह ताला में विश्वास नहीं रखते थे, तो उनका वो ये मानना, मतलब वो बिल्कुल इस बात के खिलाफ थे, ही वॉज अगेंस्ट कि देर मस्ट बी सम गॉड, और उन्होंने ये जो यूनिवर्स क्रिएट किया नौजुबिल्ला, क्योंकि वो एक नास्तिक थे. हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यू डैट बिलीफ इन अ क्रिएटर कुड बी कंपैटिबल विथ मॉडर्न साइंटिफिक थियोरीज. हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया था ये बात पे कि ये बात जो है ना कंपैटिबल नहीं है. कंपैटिबल यू नो मेल खाना, मैच होना, मॉडर्न साइंस से ये बात मैच नहीं होती बिल्कुल कि इस दुनिया को बनाने वाला भी कोई क्रिएटर है. हिज न्यू वर्क हाउएवर कंक्लूडेड दैट बिग बैंग वॉज द इनएविटेबल, इनएविटेबल यू नो कंपल्सरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर. तो उन्होंने कहा था कि बिग बैंग थ्योरी यू नो ना, बिग बैंग थ्योरी इज द वर्ड की मतलब इनिशियली जो है ये सब प्लैनेट्स नहीं थे बल्कि एक बहुत बड़ा जो है एक ही जो है एस्टेरॉयड जैसा कुछ था, फिर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, गैशियस एलिमेंट्स यहाँ वहाँ स्प्रेड हुए हमारे यूनिवर्स में, फिर धीरे धीरे प्लैनेट्स, फिर जब वो यू नो कूल डाउन हुए तो फिर उससे जो है प्लैनेट्स एग्जिस्ट में आए. दिस सॉर्ट ऑफ सम थियरी इज देयर बिग बैंग. इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल अनअवॉइडेबल. जैसे आज की तारीख में बोलते हैं ना कि इंटरनेट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल है, एकदम कंपलसरी, इसको अवॉइड नहीं कर सकते. कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर. तो उनका बोलना था कि बस ये लॉज ऑफ फिजिक्स के हिसाब से दुनिया बनी है, दैट्स इट. बिकॉज देर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, ग्रेविटी यू ऑल नो, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग. तो हमारे यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटी नाम की चीज़ मौजूद है और यूनिवर्स को बनाने के लिए किसी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनका बोलना था. हॉकिंग सेट स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, स्पॉन्टेनियस यू अंडरस्टैंड ना, अपने आप नेचुरल. क्रिएशन इज द रीजन देर इज समथिंग रेदर देन नथिंग, वाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, वाई वी एग्जिस्ट. तो द बॉटम लाइन इज इनका यही बोलना रहा आखिर तक के, मतलब कि भाई ये सारा जो यूनिवर्स आया है वजूद में, ये दुनिया आई है, दिस इज स्पॉन्टेनियसली नेचुरली, इसके पीछे कोई गॉड वॉड का हाथ नहीं है, ऐसा इनका बोलना था. द ग्रैंड डिज़ाइन वॉज हॉकिंग्स फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट अ डिकेड. ये ग्रैंड डिज़ाइन क्या, अगेन उनकी एक बुक का नाम है जो उन्होंने डिकेड, डिकेड मतलब 10 साल में सबसे बड़ी इनकी पब्लिकेशन बुक रही है. Within his new work, Hawking set out to challenge Sir Isaac Newton's belief that the universe had to have been designed by God. Sir Isaac Newton, and some people say that his actual name was Isaac Newton. वो तो इस बात को एकदम firmly मानते थे कि there is a God behind creation of all this thing. है ना, universe बनने के पीछे God का हाथ है. लेकिन इस बात को, उनकी इस बात को चैलेंज किया हॉकिंग ने कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन बोर्न फ्रॉम केओस. केओस समझते ना, केओस मतलब हंगामा, यू नो लॉट ऑफ हसल एंड बसल, दैट इज कॉल्ड केओस. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्वोक गॉड टू लाइट द ब्लू टॉर्च टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग. Invoke, invoke means to call upon. Invoke means to call upon. खास तौर से अल्लाह को पुकारना या ऊपर वाले को पुकारना. तो इनका बोलना था कि हर बात में ब्लू टच पेपर, यू नो मे बी देयर दिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट लिटमस पेपर एंड ऑल, कि जब साइंटिफिक चीज़ों की बात की जाती है तो उसमें भगवान को पुकारने की या खींचने की ज़रूरत नहीं है, और इस दुनिया चलाने को भी चलाने के लिए भी भगवान की ज़रूरत नहीं है या ऊपर वाले की, अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं है. हॉकिंग सेट अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट ऑफ हिम. शायद जो है ओके, एट द एज ऑफ 21 स्टीफन हॉकिंग वॉज डायग्नोज विथ एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस. है ना, इस बीमारी का जिक्र ऊपर भी आता फर्स्ट पैसेज में. In a very simple sense, the nerves that control his muscles were shutting down. Nerves, you understand? कि हर चीज़ के लिए हमको हमारा जो है नर्व सिस्टम जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है
और वो सिग्नल्स देता है हमारे मसल्स को एक्ट करने के लिए. तो वो सारा जो कंट्रोल होते जा रहे थे एट द टाइम डॉक्टर्स गेव हिम 2.5 ईयर्स टू लिव. और उनको नोटिस मिल गया था भाई तुम 2.5 साल से ज़्यादा जिंदा रहने वाले नहीं हो. हॉकिंग फर्स्ट बिगेन टू नोटिस प्रॉब्लम विद हिज फिजिकल हेल्थ व्हाइल ही वॉज एट ऑक्सफोर्ड. है ना, मैंने बोला ना कि वो ब्रिटिशर्स थे ना, लंदन को बिलोंग करते थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे. ऑन ओकेजन ही वो ट्रिप एंड फॉल. ट्रिप एंड फॉल मीन्स सेम मीनिंग, ट्रिप एंड फॉल मतलब गिर जाते थे. और स्लर हिज स्पीच, अंडरलाइन द वर्ड स्लर. स्लर का मीनिंग लिखिए स्पीक अनक्लियरली. स्पीक अनक्लियरली तो बोलते बोलते भी बड़बड़ा जाते थे, मतलब वो तुतला जाते थे, बोले उनके वर्ड्स क्लियरली अटर नहीं हो पाते थे. He did not look into the problem until 1963. तो उन्होंने seriously नहीं लिया था अपने problem को. देखो when he was born in the year 1942, 52, 62, 63, तो now he was like 21 only. During his first year at Cambridge, for the most part Hawking had kept the symptoms to himself. तो ये starting में इनके साथ जो भी हो रहा था ना उन्होंने अपने तक के ही सीमित रखा था. But when his father took notice of the condition, he took Hawking to see a doctor. लेकिन हो सकता है शायद घर में भी एक बार ऐसा हुआ होगा कि चलते चलते यूं ही गिर जाता हूँ मैं ऑल दैट. तो उनके डैडी फ़ौरन उनको जो है हॉस्पिटल ले गए. For the next 2 weeks, the 21-year-old college student made his home at medical clinic where he underwent a series of tests. अब ये 21 साल के स्टीफन हॉकिंग का घर क्या बन गया था, हॉस्पिटल उनका घर बन गया था जहाँ पे इनको मल्टीपल टेस्ट कराने पड़े. दे टूक अ मसल सैंपल फ्रॉम माय आर्म, स्टक इलेक्ट्रोड्स इनटू मी, अंडरलाइन द वर्ड्स इलेक्ट्रोड्स, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे वो होता है ना मेंटल शॉक वगैरह में भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें दिमाग से कनेक्ट की जाती है ऑल दैट, तो आप मीनिंग लिखिए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. And injected some radio-opaque fluid into my spine. Spine, you know, backbone. जब operation वगैरह करना होता है, anesthesia देना होता है, तो भी backbone में ही injections जो हैं वो किए जाते हैं, inject किए जाते हैं. And watch it going up and down with x-rays. और वो जो है properly ये जो सारे test हो रहे थे वो x-ray से देख रहे थे. As they tilted the bed, tilt करना, bend करना ना, bend करना. He once said, after all that they didn't tell me what I had, except that it was not multiple sclerosis and that I was in atypical case. Look, multiple sclerosis, abnormal hardening of body tissue, atypical, very unusual. बहुत ही बोलते हैं rare disease. और उनके tissues जो थे वो hard होते जा रहे थे. उनके tissues, बॉडी टिश्यूज हार्ड होते जा रहे थे, वह ये बहुत ही रेयर डिजीज था. इवेंचुअली मतलब फाइनली, हाउएवर डॉक्टर्स डिड डायग्नोस मतलब आइडेंटिफाई ना हॉकिंग विद द अर्ली स्टेजेस ऑफ ALS. इट वाज डिवास्टेटिंग कॉजिंग अ सीरियस शॉक. बहुत जोर का झटका लगा उनको एंड हिज फैमिली, बट अ फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग कंप्लीटली डिस्पोंडेंट. डिस्पोंडेंट द मीनिंग इज नॉट गिवन, यू कैन राइट डाउन होपलेस. तो ये फैमिली ही थी जिसने उनको सहारा दिया और वो एकदम कम्प्लीटली होपलेस नहीं हुए. द फर्स्ट ऑफ दिस केम व्हाइल हॉकिंग वाज स्टिल इन द हॉस्पिटल. देयर ही शेयर्ड अ रूम विद अ बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया. लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूकेमिया, अ मैलिग्नेंट प्रोग्रेसिव डिजीज इन विच द बोन मैरो एंड द अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गेन प्रोड्यूस इंक्रीज नंबर्स ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल. तो इनके साथ इनके वार्ड में एक बच्चा था जिसको ल्यूकेमिया हुआ था रिलेटिव टू व्हाट हिज रूममेट वाज गोइंग थ्रू. हॉकिंग लेटर रिफ्लेक्टेड हिज सिचुएशन सेम मोल्ड और रेबल. तो उस बच्चे को ल्यूकेमिया से मतलब सफ़र होते देखे उन्होंने कहा कि चलो एटलीस्ट मेरा जो डिजीज है टॉलरेबल है, वो दूसरे को देख के शुक्र मना रहे थे. नॉट लॉन्ग आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, इनको डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से. Hawking had a dream that he was going to be executed. Execute, you know, a sentence of death, मौत की सजा.
इन्होंने ऐसा सपना देखा कि मुझे मौत की सज़ा मिल गई. ही सेड दिस ड्रीम मेड हिम रियलाइज दैट देयर वर स्टिल थिंग्स टू डू विथ हिज लाइफ. तो हर वक्त मतलब उनके दिमाग में यही छाया रहा था ना कि भाई मैं बीमार हूँ या मरने वाला हूँ इन ऑल दैट. तो सपने में भी उन्होंने एक बार यही देखा था कि भाई मैं मुझे फांसी की सज़ा हो गई इन ऑल दैट. ये जो एग्जीक्यूटेड दैट इज सेंटेंस ऑफ डेथ. सेंटेंस पता है ना आपको, सज़ा को बोला जाता है, पनिशमेंट को भी बोला जाता है ना सेंटेंस ऑफ डेथ. इन अ सेंस हॉकिंग्स डिजीज हेल्प हिम बिकम द नोटेड साइंटिस्ट ही इज टुडे. तो क्योंकि अभी इनको बोलते ना एक वो मिल गया था, वार्निंग मिल गई थी कि भाई मेरे पास टाइम कम है. तो अभी इन्होंने तय कर लिया था, ही हैड फॉर्मली डिटरमिन्ड कि विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम लिमिट ही हैज़ टू डू मैनी थिंग्स, बहुत सारे काम करने हैं मुझे. बिफोर द डायग्नोसिस हॉकिंग हैड एन ऑलवेज फोकस ऑन हिज स्टडीज. डायग्नोसिस के पहले वो इतना ध्यान नहीं देते थे पढ़ाई पे. बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोज आई हैड बीन वेरी बोर्ड विद द लाइफ. अपनी लाइफ को काफ़ी बोर गुजार रहे थे. देर हैड नॉट सीम टू बी एनी थिंग वर्थ डूइंग. विद द सडन रियलाइजेशन दैट ही माइट नॉट इवन लिव लॉन्ग इनफ टू अर्न हिज PhD, हॉकिंग पोर्ड हिमसेल्फ इन टू हिज वर्क. पोर्ड हिमसेल्फ मतलब कंप्लीटली अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर दिया, वर्क और रिसर्च में. समझ में आई ना बात, कि अब इनको ऐसा लग गया था कि भाई मैं पता नहीं मैं PhD करने पर जिंदा रहता हूँ कि नहीं, तो जितना भी मेरे पास टाइम बचा है मुझे कुछ जो है उसको कंस्ट्रक्टिव करना है ना. इन्होंने ऐसा सोच के रखा था. एज फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश. अब धीरे धीरे उनका अपने बॉडी पे से कंट्रोल खोता जा रहा था. डिमिनिश मतलब रिड्यूस. ही वुड बी फोर्स टू यूज अ व्हील चेयर बाय 1969 एंड मतलब ही डिड रियलाइज के सून आई एम गोइंग टू बी कन्फाइंड विथ कन्फाइंड यू नो कि सीमित रह जाऊंगा मैं व्हील चेयर से. द इफेक्ट्स ऑफ हिज डिजीज स्टार्टेड टू स्लो डाउन ओवर टाइम. हाउएवर हॉकिंग्स एवर स्पैंडिंग करियर वॉज अकम्पनीड बाय एन एवर वर्सनिंग फिजिकल स्टेट. समझ में आ, तो इनके करियर का ग्राफ तो बढ़ता जा रहा था लेकिन इनकी खुद हेल्थ का ग्राफ जो है ना वो नीचे जा रहा था. By the mid-1970s, the Hawking family had taken in one of Hawking's graduate students. ये याद रखिए, देखो आपको है ना वर्कशॉप जब हम करेंगे तो आपको जो है ना टाइमलाइन दिया है, मतलब 1969 में क्या हुआ था, 1970s में क्या हुआ था, 1942 में क्या हुआ था, तो वो दिया है, वो आपको पैसेज से ही सॉर्ट आउट करके लिखना है. तो 1970s के बीच में क्या हुआ था, इनकी फैमिली ने क्या किया था, वन ऑफ हॉकिंग्स ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ जो पढ़ने वाला एक कोई स्टूडेंट था का कोई फ्रेंड होगा, उनको साथ ले लिया था टू हेल्प मैनेज हिज केयर एंड वर्क, कि वो उनके रिसर्च के काम में उनका स्टडीज में थोड़ा साथ दे दे. ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ. तो 1970s की बात की जा रही है कि वो अब खुद खाना तो खा पा रहे थे, बेड पे से उतर पा रहे थे, बट वर्चुअली वर्चुअली समथिंग अपोजिट ऑफ रियली ना, नॉट रियली, नॉट रियली, एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंट है ना, बट नॉट रियली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंट. हर चीज में इनको सहायता की जरूरत बाकी की चीज़ों में पड़ती जा रही थी. एंड एडिशन हिज स्पीच हैड बिकम इंक्रीजिंगली स्लर्ड. स्लर्ड देखिए वे ऊपर मीनिंग आ चुका है, टू स्पीक अनक्लियरली सो दैट ओनली दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम. अब उनकी भाषा मतलब वो बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहे थे, तो बस जो उनके नज़दीकी लोग थे जो उनको अच्छे से समझते थे, उनके फैमिली वाले वगैरह, वो उनकी बात समझ पा रहे थे. अदरवाइज कोई बाहर वाला उनकी लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहा था. इन 1985 ही लॉस्ट हिज वॉइस फॉर गुड फॉलोइंग अ ट्रैकियोटोमी. ट्रैकियोटोमी एन इनसेशन इन द विंड पाइप मेड टू रिलीव एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्रीथिंग. समझ में आया, एन इनसेशन मतलब क्या, इंसेशन इज सर्जरी. हाँ, इंसेशन एक सर्जरी है. तो इनका विंड पाइप जो हवा की नाली थी उसकी सर्जरी हुई थी. क्यों? क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. अंडरस्टूड ना, हवा की नाली की सर्जरी हुई थी क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. तो ये सर्जरी का नाम था ट्रैकियोटॉमी. इसकी वजह से इनकी आवाज़ भी चली गई. अंडरस्टूड. द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर 24 आवर नर्सिंग केयर फॉर द एक्लेम्ड मतलब फेमस फिजिसिस्ट. इट ऑल्सो पुट इन पेरिल. पेरिल मीन्स वॉट, डेंजर, खतरे में डाल दिया हॉकिंग की एबिलिटी टू डू हिज वर्क.
प्रीडिकमेंट, लुक प्रीडिकमेंट द मीनिंग इज नॉट इवन अ प्रीडिकमेंट, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन। प्रीडिकमेंट मतलब क्या, बहुत ही डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कॉट द अटेंशन ऑफ अ कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर हु हैड डेवलप अ स्पीकिंग प्रोग्राम दैट कुड बी डायरेक्टेड बाय हेड और आई मूवमेंट। देखो मैंने आपको बोला था ना इनके लिए कंप्यूटर डिजाइन किया गया था स्पेशली, तो आई वॉज टेलिंग यू विद फिंगर बट दिस इज जस्ट विद द मूवमेंट ऑफ आईज। द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सेलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट वर देन पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर। एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन हॉकिंग हु स्टिल हैड यूज ऑफ हिज फिंगर सेलेक्टेड हिज वर्ड्स विद अ हैंड हेल्ड क्लिकर। सो आई वॉज राइट है ना, तो फिंगर्स इनके जो फिंगर टिप एंड नेटलेस जो काम कर रहे थे उससे वो सेलेक्ट करते थे, आईब्रोज को मूव कर रहे थे, मतलब इतनी वर्स कंडीशन हो गई थी कि ही वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज एंड कम्प्लीटली कन्फाइंड टू द व्हील चेयर एंड ओनली द बॉडी ऑर्गन विच वर वर्किंग वर हिज आईब्रोज एंड फिंगर टिप्स। तो उसकी सहायता से वो टच स्क्रीन यू नो दैट सॉर्ट वैसे वो काम कर रहे थे। टूडे विद वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी गॉन हॉकिंग डायरेक्ट्स द प्रोग्राम थ्रू अ चिक मसल अटैच टू अ सेंसर। उनके गाल से जो है चिक सेंसर लगा हुआ है और वो उसी से काम कर रहे थे टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। हाँ, थ्रू द प्रोग्राम एंड हेल्प विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट्स स्टीफन हॉकिंग हैज कंटिन्यू टू राइट एट अ प्रोलिफिक रेट। प्रोलिफिक मतलब प्रोलिफिक मीन्स वॉट, प्रोड्यूसिंग मच फ्रूट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेरी हाई रेट, जबरदस्त लिखने का काम चालू था तभी तो वो इतनी कठिनाइयों के बावजूद 15 बुक लिख पाए ना, अदरवाइज इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी टास्क। हिज वर्क हैज इंक्लूडेड न्यूमरस साइंटिफिक पेपर्स ऑफ कोर्स बट आल्सो इंफॉर्मेशन फॉर द नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी। तो एक बताया था ना मैंने इनकी बुक उन्होंने ऐसी भी स्पेशली लिखी थी सो दैट द ले मैन कैन अंडरस्टैंड, है ना, आम आदमी को समझ में आ सके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। हॉकिंग्स हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस कंसर्न, वरी फिक्र, कंटिन्यूअस फिक्र का बोल ना बोलते ना सब्जेक्ट रही उनकी हेल्थ। अ वरी दैट वॉज हाइटन्ड इन द ईयर 2009 व्हेन ही फेल्ड टू अपियर एट अ कॉन्फ्रेंस इन एरिजोना बिकॉज ऑफ अ चेस्ट इन्फेक्शन और ही कुड नॉट अटेंड द बेटिंग बट ऑफ कोर्स इन अप्रैल हॉकिंग। देखो ये मैंने एज आई टोल्ड यू ना द टाइमलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, सो नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर बट यू मस्ट बी एबल टू यू नो मेक आउट फ्रॉम द गिवन पैसेजेस दैट इन विच ईयर विच थिंग्स ऑकर दैट यू नीड टू मेक आउट। इन अप्रैल हॉकिंग हु हैड ऑलरेडी अनाउंस ही वॉज रिटायरिंग आफ्टर 30 years फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लुकेजियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज was rushed to the hospital for being what university official described as gravely ill. Underline the word gravely ill, seriously ill. समझ में आई बात कि 30 साल से जो है ना वो इस पोस्ट पे थे, क्या पोस्ट पे थे, लुकेजियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, लेकिन बहुत सीरियसली इल होने की वजह से ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल। रश टू द हॉस्पिटल मतलब उनको हॉस्पिटल भगाया गया, मतलब एम्बुलेंस द्वारा उनको एडमिट किया गया ना वहाँ पे लेकर आकर। इट वॉज लेटर अनाउंस दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक अ फुल रिकवरी और बाद में अनाउंस किया गया, ये अप्रैल 2009 मतलब ये 2009 के ईयर की बात की जा रही है। ओके नाउ लुक एट द एंड ऑफ द लेसन इट इज रिटन ही पास्ड अवे ऑन 14th March 2018। ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन थोरली, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि इस साल बहुत सारी चीज़ें आपकी ओमिट भी हो गई है ना, तो ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आफ्टर एज दिस लेसन हैज़ एंडेड विल बी डूइंग द वर्कशॉप, सो थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग ऑफ दिस लेसन।